जी जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेल, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक गजब की चीज। वो क्या कि कैसे आप अपनी YouTube की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लेके अपने सिनेमेटिक वीडियोस हैं या आपकी फोटोग्राफी है या आप किसी भी कंटेंट में है, तो ये चीज आपके हर कंटेंट में काम आएगी। और सबसे मेरे मोटो व्लॉगिंग की जो मैंने सेटअप किया हुआ है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि कैसे कम रेट स्टार्टिंग रेट में आप अपने मोटो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, चाहे आप कर रहे हो डेली व्लॉगिंग, चाहे आप कोई सा भी ऐसा कंटेंट आप कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको आपके हर चीज में, अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ऐसा कैमरा है जिससे आप बहुत तरह के एंगल शूट कर सकते हैं, प्लस आपका वो मोटो व्लॉगिंग भी बहुत प्यारा बहुत अच्छे तरीके से वो काम आने वाला है। वो क्या चीज़ है इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की हर एक एक पॉइंट में मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या इसकी प्राइसिंग है, कहाँ से मैंने इसको परचेज किया है, मैंने ऑफलाइन क्या रेट है, ऑनलाइन क्या रेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वाले ब्लॉग में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर स्किप कर दिया तो आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है उसमें। तो इस ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ अपने पहले हेलमेट से। ये मेरा हेलमेट है स्टड्स का, ये मैंने कितने में खरीद, अच्छा प्राइसिंग की जो बात है वो करूँगा मैं एकदम लास्ट में आपको प्राइसिंग मालूम पड़ेगी। ये मेरा स्टड हेलमेट है, मेरा स्टड का, स्टड ब्रांड का मेरा ये हेलमेट है मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। अगर आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका बजट बहुत कम है, 2,500 के आसपास का आपका बजट है, एक्चुअली कितने प्राइस का है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। वैसे इसकी क्वालिटी और इसका वाइजर क्लीनर वगैरह, और इसमें अगर आप अपना गोप्रो वगैरह आप या अपना मोबाइल माउंट वगैरह भी कुछ भी सेट करना चाहते हैं, तो ये हेलमेट सबसे बेस्ट है आपके लिए। दूसरा, मैं हाफ फेस हेलमेट के लिए मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरे को मिला था होंडा, वैसे ये होंडा का हेलमेट है, तो ये मेरे को मिला था मैंने जब मैंने कितनी एक स्कूटी मैंने परचेस की थी, तो ये मेरे को उससे मिला था, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी लेवल का है, ऑब्वियसली ISO मार्क सर्टिफिकेट है, ये भी ISO मार्क सर्टिफिकेट है, तो बहुत कभी निकलना हो शॉर्ट राइड पे जाना, किसी काम से जाना, तो हेलमेट आप, वैसे गवर्नमेंट रूल जो है कहता है कि भाई हेलमेट पहनना चाहिए, पहनना भी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से हेलमेट को पहनना चाहिए। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ हमेशा हेलमेट को वियर करता हूँ, मैं अपनी सेफ्टी के लिए वियर करता हूँ, ताकि मेरी फैमिली भी है उसको सोच समझ के, अपने आप को सोच समझ के मैं हेलमेट को वियर करता हूँ फॉर आवर सेफ्टी। तो चलिए इस वीडियो को, ज़्यादा तंग वंग में आज कुछ करने वाला हूँ नहीं है, और मैं क्या क्या चीज़ें मैं आपको सबको दिखाने वाला हूँ, एक एक चीज़ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हेलमेट है, ये मेरा फुल फेस है, ये मेरा हाफ फेस है। राइडिंग गियर्स के लिए मैंने सिर्फ अभी मैंने ग्लव्स ले रखे हैं, ये ग्लव्स जो है स्टील बर्ड के ग्लव्स है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एयर पासिंग भी इसकी बहुत अलग लेवल पे है। ये मेरा पावर बैंक है, ये पावर बैंक बहुत बढ़िया है, MI का पावर बैंक है, पोर्टेबल पावर बैंक है, कहीं भी इसको पोर्ट कर जाओ, 10,000 mAh की इसकी बैटरी है। उसके साथ मेरे को एक ये छोटा सा डाटा केबल, मुझे चार्जिंग केबल हो जो कुछ भी कह लीजिए, ये मुझे मिली थी, ये एक्चुअली चार्जिंग में भी और डाटा में भी दोनों चीज़ में काम कर जाती है, ये इतनी छोटी सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मेरे लिए, क्योंकि कहीं भी मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, ब्लॉग वगैरह करता हूँ, या फिर मुझे कुछ अपने कंपोनेंट्स चार्ज करने पड़ते हैं, मोबाइल ऐसी चीज़ होती है जब लीड से आप चार्ज करेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है, कि अब पावर बैंक जेब में रखा हुआ है, सबसे अच्छा है छोटा सा है पावर बैंक भी, बिल्कुल 10,000 mAh होने के बाद भी ये बहुत लाइट वेट है। इसको हाथ में मोबाइल के साथ इसको हाथ से इसको बहुत अच्छी तरीके से हम जो है कवर कर सकते हैं। दूसरा मैं यूज़ करता हूँ ये K8 का माइक, वायरलेस माइक,
बहुत अच्छी क्वालिटी। जब अभी भी अगर आप मेरी वॉइस क्वालिटी सुन रहे हैं तो आप ऑब्वियसली इसी माइक से सुन रहे हैं जो मैंने इसमें लगा रखा है। इसके रिसीविंग जो है, इसमें दो चीज़ आती है, इसका रिसीवर आता है, इसका माइक आता है। ये इसका माइक है रिसीवर जो अभी मेरे हैंडसेट में लगा हुआ है। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि इसकी वॉइस क्वालिटी आपको कैसी लगती है। नहीं, कभी अगर मैं जा रहा हूँ बाहर, हेलमेट लगा रहा हूँ, तो कभी मुझे अपना जो है कैमरा लगाना पड़ता है। कैमरा क्या है वो चल के मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ करके हम बताएंगे। और मैं अपना मोबाइल लगाता हूँ, अपना कभी आईफोन यूज़ करता हूँ तो उसके लिए मेरे को सी टाइप केबल चाहिए होता है। अगर मैं आईफोन यूज़ करता हूँ तो मुझको आईफोन वाला केबल चाहिए होता है। कभी मैं उसको एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ तो सी टाइप केबल चाहिए होता है, तो माइक के लिए, ताकि मेरी वॉइस उसमें आ सके। ऑलरेडी मैंने हेलमेट के अंदर अपना पूरे माइक वायरिंग मैंने सेट कर रखी है मैंने, तो मैंने किस तरीके से मैंने इसमें वायरिंग करी हुई है, आई बटन पर ये ऑप्शन कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी कि मैंने किस तरीके से इसके लॉक्स अनलॉक करके मैंने पैड निकाल के किस तरीके से मैंने इसका वायर मैंने सेट किया हुआ है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ये हो गया मेरे माइक का। दूसरा मैं यूज़ करता हूँ अपने ये कुछ पेन ड्राइव वगैरह है जो मेरी स्टोरेज और फाइल ट्रांसफर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। और ये कुछ मैं अपना USB का सैमसंग का है, बहुत अच्छा है। अगर आप कभी यूज़ करें तो सैमसंग का यूज़ कर लेना, बहुत अच्छा है। ट्रांसफर फास्टिंग बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल जाती है। और फिर उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ ये Realme के बर्ड्स, ये बहुत अच्छी तरह मेरे काम आते हैं एडिटिंग के लिए। इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है मेरे एडिटिंग वगैरह के लिए, म्यूज़िक के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे तरीके से मेरे काम आते हैं। और अगर मैं इसको एक बार चार्ज करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा ये बहुत थोड़ा लंबे समय तक 8-10 दिन तक ये पूरा अच्छी तरीके से खींच जाता है। फिर उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ मैं DJI का गिम्बल। भाई ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नीड है, जैसे कि मैं सिनेमेटिक शॉट्स लेता हूँ, मेरे को स्पिन शॉट्स लेने पड़ते हैं, कभी कभी स्पिन शॉट्स लेता हूँ शॉर्ट्स के लिए या अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए, सिनेमेटिक वीडियोस के लिए। ये गिम्बल बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम यूजेबल वो मेरे को आता है। लेकिन अगर आप इसको एंड्रॉयड के साथ यूज़ करेंगे तो ये बहुत अटक अटक कर चलेगा, तो इसको कभी एंड्रॉयड के साथ यूज़ मत करना। ये स्पेशली बनाया है आईफोन के लिए, तो आप इसको जो है हमेशा आईफोन के साथ ही इसको यूज़ करना। आईफोन के साथ आपको एकदम स्मूथ, इतना स्मूथ चलेगा कि आप भी बोलोगे कि खाकी अब कोई चीज़ मैंने यूज़ करी है। उसके बाद मैं अपना ऑब्वियसली आईफोन 14 प्लस मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने लिए। फिर उसके बाद अब मैं यूज़ करता हूँ अपने मेन मोटो व्लॉगिंग के लिए ये Insta360X3 का कैमरा। सच में ये बहुत अल्टीमेट शूट करता है, इसका जो लेवल है ना बहुत अलग लेवल का लेवल है। मैं इसको 3D व्यू शूट कर सकता हूँ इसमें, सिंगल लेंसेज 8K 7K 5K 4K 3K हर तरीके से इसके मोड हैं। इसके रिजोल्यूशन का कोई लाजोड नहीं है, दबा के इसका रिजोल्यूशन मैं यूज़ करता हूँ। मैं बहुत सारे मुझे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, अलग अलग क्रिएटिव थिंग्स करने के मुझे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका ऑब्वियसली ऐप आता है आईफोन में, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, या आप इसको एंड्रॉयड में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों जगह इसके जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, या आपको दोनों जगह इसके ऐप इसको मिल जाएगा Insta360 के नाम से, तो उसको आप उसमें जाके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये GoPro मैं चाहता तो ले सकता था, मेरे पास दो ऑप्शन थे GoPro और Insta360X3 लेने का, दो ऑप्शन थे, लेकिन मैंने सेकंड ऑप्शन यूज़ किया Insta360X3। और मैं अपने आप को थैंक्स कहता हूँ इस चीज़ के लिए कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने Insta360X3 ही लिया, क्योंकि मेरे एक ही अभी फिलहाल की मेरी शुरुआत है, तो मेरा एक ही कैमरा पूरे व्लॉगिंग को, पूरे मेरे व्लॉगिंग एंगल्स को सब हर तरीके से कवर कर ले। थोड़ी बहुत मेहनत होती है कि अपने कैमरा को हर जगह अलग 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 मुझे जो है एंगल्स पे शूट करना पड़ता है, लेकिन हकीकत में बहुत मज़ा आता है शूट करने में। उसके बाद मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ ये लिनोवो का iPad Flex 5 लैपटॉप, बहुत ही अच्छा है i5 वाला। मेरा जो ये लैपटॉप है i5 के साथ है, तो मेरा इसमें जो है एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा ही स्मूथनेस वगैरह जैसा मेरे को चाहिए वैसा काम चल जाता है मेरा। इसमें मैं यूज़ करता हूँ दो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मेन, पहला मैं यूज़ करता हूँ इसमें वंडर शेयर का फिल्मोरा को, दूसरा मैं इसमें यूज़ करता हूँ कैप कट। हाँ जी, आप बोलेंगे कि इंडिया में कैप कट जो है बैन है, ठीक है, थोड़े बहुत तरीके होते हैं कि हम उसको उस तरीके से जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो तरीका चाहिए तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा। इतनी सारी चीज को कवर करने के लिए
बाहर जाता हूँ मैं, ट्रेवलिंग करता हूँ, तो इस सब को क्लीन रखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये फोटोनिक्स का बहुत अच्छा क्लीनर है, 8-in-1 क्लीनर है ये। मेरी क्लीनिंग जो है हर तरीके से ये हर तरीके से मेरी सारी चीज़ों को ये क्लीन करता है। अब ये जो आप मेरा एंगल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरा इंसा 360 X3 से, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा पूरा 3D व्यू ऐसे, और आप इस वक्त 3D व्यू शायद देख भी रहे होंगे। तो अब मैं यूज़ करता हूँ ये मैं अपने क्लीन के लिए फोटोनिक्स का बहुत ही अच्छा 8-in-1। ऐसे मेरा जैसे कि फ़ोन है, मेरे लैपटॉप है, मेरे ईयरबड्स है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसी से ही मैं क्लीन करता हूँ। मैं इसमें जैसे कि आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ही इसमें एक ब्रश है जिसको जिसमें ब्रश है मैं साफ़ कर सकता हूँ। दूसरा ये कुछ इस टाइप का नीडल है जिससे कि इतनी सारी छोटी छोटी जगह पर जाकर ये डर्ट को साफ़ कर सकता है। फिर उसके बाद ये आता है ईयरबड साफ़ करने, ये आता है ईयरबड साफ़ करने के लिए। फिर उसके बाद इसमें कुछ ये ऐसा अपने इसे कुछ ऐसा स्प्रे टाइप का भी है, तो उससे अपना लेंस वगैरह जो है और अपनी स्किन वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद ये निकलता है ब्रश जो अपने कीबोर्ड वगैरह भी अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको निकालूंगा मैं, तो उसमें ये मेरा छुपा हुआ कीबोर्ड से जितनी भी कीज़ होती है उसको निकाल के उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको क्लीन करने में ये बहुत काम आता है। तो ये कुछ इस तरीके से 8-in-1 तरीके से ये जो है मेरा ऐसा अच्छी तरीके से काम करता है ये पूरा का पूरा। जो भी आपके गैजेट्स हो, चाहे आपका कैमरा हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपके लैपटॉप एक्सेसरीज हो, आपका कोई भी एक्सेसरीज हो, गिम्बल वगैरह, आपका चार्जिंग पॉइंट वगैरह, या फिर कुछ भी अटन घटना आपका कुछ भी हो, उससे आप अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। और उसमें पीछे की तरफ ये साफ़ करने का कुछ फॉर्म सा भी दिया हुआ है, और इसकी बाकी इतने भी जो इसके ये है, इसका ब्रश है, कुछ भी चीज़ है इसकी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मूथ ये परफॉर्मेंस देता है। और इन सब चीज़ों को रखने के लिए चाहिए कोई ना कोई बैग, तो बैग के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये लिनोवो का बहुत अच्छा ही ये बैग है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मुझे कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, साइड में ये कुछ ऐसा पॉकेट बोतल होल्डर मिल जाता है, चाहूँ तो इसमें मैं अपना क्या बोलते हैं ट्रैपॉड वगैरह भी इसमें कैरी कर सकता हूँ मैं। पहली ये चैन है मेरे, इसके अंदर मैं अपने लैपटॉप के चार्जर्स हैं, अपने चार्जर्स हैं और कुछ भी छोटी मोटी एक्सरसाइज है वो सब रख लेता हूँ। मेन इसमें बीच का जो कंपार्टमेंट है उसमें मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं रख सकता हूँ। इसके अंदर मैं अपना कैमरा, छोटे छोटे जो कैमराज होते हैं लाइक इंसा 360 X3 है, और अपने कुछ भी ये सब मुझे कैरी करने पड़ते हैं, वायरलेस माइक वगैरह वो सब मेरे इसमें कैरी करते हैं। पीछे भी मुझे एक अच्छी स्टोरेज मिलती है अपने कुछ बुक्स वगैरह कुछ रीडिंग करने के लिए, या फिर कुछ भी अपना छोटा मोटा आइटम रखने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे इसमें ऐसे चिप्स हैं जिसमें मैं अपने SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड्स ये सब मैं इसके अंदर कैरी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ थी, और हाँ मेन ये है, तो ये है मेरा गिम्बल। इस गिम्बल से बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑन हो चुका है, अब इसको मैं इसमें लगा दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो चुका है कनेक्ट, और इसमें मोड्स बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर मोड्स है, कुछ भी अगर चलता है ये देखो मेरा मोबाइल बिल्कुल नहीं हिल रहा है। कुछ साइड से ऐसा पोस्टर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरीके से मैं अपना कैमरा वैमरा जो है सेंटर रीसेंटर्स वगैरह जितने भी है मैं इसमें कर सकता हूँ, ये सब कुछ मैं अपना यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मोड्स हैं, जितने भी सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह हैं इसके अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। इसमें स्पिन शॉट्स वगैरह, जैसे ये मैंने अगर मैं इसको स्पिन शॉट में करता हूँ तो देखो ऐसे ये स्पिन शॉट भी लेता है बहुत अच्छा। तो कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं इसके अंदर मोड्स वगैरह, और मैं ज़्यादातर शूट के लिए अगर मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ अपना ये iPhone मोस्टली मैं। और जितने भी आप मेरे जो ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं जिससे मैं बाहर में शूट करता हूँ कुछ भी करता हूँ, ये मैं करता हूँ अपना iPhone 14 प्लस में। अब बात कर लेते हैं फाइनली अपने प्राइसिंग के बारे में। ये आप देख रहे हैं मेरा गिम्बल, ये करीब करीब है 15,000 रुपये का, DJI का Osmo 6 है ये, 15,000 के आसपास का आता है। दूसरा ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप, ये करीब करीब 65,000 का i5 के साथ है। तो ये मेरा हेलमेट है वो 2,500 रुपये का, ये मेरा दूसरा हेलमेट 800 का, ये मेरे जो ग्लव्स है वो 1,000 के हैं, ये 1,700 के आसपास का है। ये वाला जो माइक है मेरा ये 900 रुपये का है,
ये कुछ ऐसी है 300-250 250 रुपये का, दो तीन हज़ार के आसपास के मेरे ये में SD कार्ड्स हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब आसपास, 3 हज़ार रुपये के आसपास का ये है। और मेरा इंसर 360 ये है मेरा 44,500 रुपीज़ का, जिससे मैं फिलहाल अभी शूट कर रहा हूँ। और इसके बाद तो करीबन यहाँ तक का जो एस्टिमेट है वो करीब करीब जो है 1,40,000 के आस, 1,40,000 से लेके 1,50,000 के आसपास है। और इसके बाद मेरे पास एक ऐसी चीज़ और है, वैसे मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं एक कुछ हिंट देता हूँ, वो चीज़ वो है जिससे मैं फाइनल कट प्रो में यूज़ कर सकता हूँ। तो शायद से आप समझ गए होंगे कि मेरे पास वो चीज़ क्या चीज़ है, समझ गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उस चीज़ के बारे में। और हाँ, और मेरे पास दो फ़ोन हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, एक iPhone 14 Plus है और दूसरा मेरे पास Samsung Galaxy Note 8, बहुत पुराना मॉडल, लेकिन आज भी उसका कैमरा जो है लाजवाब, बहुत अच्छी तरीके से वो मुझे परफॉर्मेंस देता है कैमरे का। तो उसको मैंने आज तक रखा हुआ है अपने पास, उसको मैं यूज़ करता हूँ। उसके बीच में मैंने बहुत सारे मैंने फ़ोन वगैरह लिए, लेकिन वो सब मैंने बेच के कभी कुछ कुछ ले लिया, बेच के कभी कुछ ले लिया मैंने, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं अपना ऑल ओवर बनाता हूँ तो करीबन 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 मेरा कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपया, सॉरी, तो करीबन करीबन मेरा जो है 4 लाख से 5 लाख रुपया जो है मेरा खर्च हो चुका है। लेकिन फाइनल कट प्रो वाली चीज़ों को भी हटा दीजिएगा, तो उसको हटाने के बाद मेरा करीबन करीबन 2.5 लाख रुपये के आसपास मेरा खर्च हो चुका है। तो इसी ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त, तो मिलेंगे आपसे फिर किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए व्लॉग आपको कैसा लगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी क्या वो आपके साथ के लिए सही थी। अगर अब आपसे मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से ही है आपकी ज़िंदगी। वाले अगले व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो है एक ट्रैवलिंग बैग लिया था, मैंने 50-60 लीटर्स के आसपास का वो बैग है, बेस्ट ऑफ बेस्ट बैग है वो, ऑब्वियसली आज ही मेरा आया हुआ, आज ही वो मेरा आया है, लेकिन मैं उसको रिव्यू अभी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इसके ऊपर पूरी, पहले मुझे इसके ऊपर पूरी वीडियो बनानी थी, तो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है, अब मैं उसको जाके मैं उसको बनाऊंगा उसकी वीडियोज़ को,